बताने वाली हूँ व्हाट डज पेंडिंग कंफर्म एंड डिक्लाइन कैशबैक मींस। मतलब कि जब भी आप किसी कैशबैक स्टोर से शॉपिंग करते हैं तो आपका कैशबैक पेंडिंग कंफर्म डिक्लाइन स्टेटस में क्यों होता है। तो गाइस जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपका कैशबैक जो है वो इन तीनों प्रोसेस से ही होके गुजरता है। तो अगर आप इन तीनों प्रोसेस के बारे में जान लेंगे तो आपकी शॉपिंग और भी इजी हो जाएगी और टेंशन फ्री हो जाएगी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप ये तीनों स्टेटस कहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप अपनी फ्रीका माल के अकाउंट पे आइए, देन यहाँ पे आपको कैशबैक समरी का ऑप्शन दिखता है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपका डैशबोर्ड खुल जाता है जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स दे रखी है। तो आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएगी, लाइक क्लिक हिस्ट्री, कैशबैक हिस्ट्री। तो आपको यहाँ पे कैशबैक हिस्ट्री पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑल कैशबैक आ जाएगा जिसके अंदर पेंडिंग, कंफर्म एंड डिक्लाइन तीनों कैशबैक हैं। तो गाइज ऑल कैशबैक में जो रिसेंटली आपने परचेज किया है वो सबसे ऊपर दिखाएगा, जो कि बहुत कॉमन सी चीज है। उसके बाद आपको सबसे पहले देखना है पेंडिंग कैशबैक। तो पेंडिंग कैशबैक क्या होता है, जब भी आप फ्रीका माल के थ्रू जाके कुछ भी परचेज करते हैं तो आपका जो कैशबैक क्रेडिट होता है वो सबसे पहले पेंडिंग कैशबैक में ही आता है। क्योंकि जब भी आप कुछ परचेज करते हैं तो गाइज उसको डिलीवर होने में, उसका रिटर्न पीरियड खत्म होने में, या फिर आपने उसको अच्छे से परचेज किया है, जो टर्म्स एंड कंडीशन थे वो फॉलो किया है कि नहीं किया, तो ये सारी चीजों में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टाइम पीरियड खत्म होने तक आपका जो कैशबैक है वो पेंडिंग में ही रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टोर नेम आते हैं, उसके बाद अमाउंट आता है कि कितना कैशबैक आपको इस पे मिल रहा है, उसके बाद स्टेटस आता है ऑब्वियसली पेंडिंग में है, उसके बाद आती है डेट कि आपने कब परचेज किया था और टाइम भी आता है, उसके बाद आता है यहाँ पे एक्सपेक्टेड कंफर्मेशन डेट। अब गाइस जैसे कि हर एक स्टोर का एक टाइम पीरियड होता है कि आपका इस टाइम पीरियड में कंफर्म होगा, जैसे कि हैप्पी बार है यहाँ पे और हैप्पी बार का कैशबैक कंफर्मेशन डेज है 60 to 90 days। अब गाइस 60 to 90 days में ही आपका कैशबैक कंफर्म होगा। और गाइस ये टाइम पीरियड आप कैसे लगाते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे परचेज किया है 28 को, तो अब मैं काउंट करूंगी नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से। तो आप काउंट करोगे अगर 60 डेज और 90 डेज तो आप देख सकते हैं कि जुलाई को मैंने यहाँ पे परचेज किया है तो जुलाई को हटा के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर 60 to 90 days देखते हैं तो नवंबर तक 90 days होते हैं, अदरवाइज आपके यहाँ पे अक्टूबर तक होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट जो आपकी दे रखी है वो अक्टूबर 29 दे रखी है। तो आपको इस टाइम तक वेट करना है, आपका कैशबैक इस टाइम तक कंफर्म हो जाएगा। तो साइड में जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो आपकी डिटेल्स है कैशबैक की वो हमारी पार्टनर साइड से आती है, तो आपकी जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट है वो कभी कभी वैरी करती है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। और गाइस अगर आप अपना प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करते हैं या फिर आप अपनी जो शॉपिंग है आपने सही तरीके से की है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो किए हैं, तो आपका कैशबैक सही टाइम पे कंफर्म हो जाता है। अब है कंफर्म कैशबैक। तो कंफर्म कैशबैक क्या होता है गाइस, सिंपली जैसे आपका पेंडिंग पीरियड खत्म हो जाता है, सारी चीजें आपकी सही होती है, तो आपका कैशबैक कंफर्म हो जाता है। कंफर्म होने के बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, कौन सा स्टोर था, कितना अमाउंट था आपका, स्टेटस कंफर्म है और कब आपने उसको परचेज किया था। तो जैसे ही आपका कैशबैक कंफर्म हो जाता है उसके बाद आप अपने पैसे बैंक अकाउंट में या फिर पेटीएम में ट्रांसफर करा सकते हैं। अब है डिक्लाइन कैशबैक। तो आपका कैशबैक डिक्लाइन क्यों होता है, अगर गाइस आप अपना प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, या फिर आपने जो ऑर्डर किया है वो सही तरीके से नहीं किया है, आपने टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं किए हैं, तो इस केस में आपका कैशबैक डिक्लाइन हो जाता है। और गाइस अगर आपको लगता है कि आपको ऑर्डर डिलीवर हो गया है, सारी चीजें हो गई है, फिर भी आपका कैशबैक डिक्लाइन हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में, आपको सिंपली सपोर्ट पे आना है, support@freekamal.com पे मेल करना है जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट लाइन में डिक्लाइन कैशबैक और स्टोर का नाम रखना है ताकि आपकी जो क्वेरी है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए। और गाइस उसके अंदर आपको डिटेल्स क्या देनी होती है, आप जब भी ऑर्डर करते तो अपनी मेल आईडी वहां पे डालते होंगे, तो आपको मेल पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया है, उसके अंदर आपका ट्रैकिंग नंबर, सारी डिटेल्स होती है। तो आपको वही डिटेल्स हमारे सपोर्ट को देनी है ताकि वो अच्छे से चेक कर पाए और आपकी जो क्वेरी है वो इजिली रिजॉल्व कर पाए। अब गाइस एक और सिचुएशन आती है जिसके अंदर आपने कुछ ऑर्डर किया है और आपको कैशबैक उस पर 200 रुपए का मिलना है।
अब क्या होता है वो कंफर्म होता है बाद में, तो वो सिर्फ 100 रुपए ही कंफर्म होता है। अब आप सोचोगे कि यार 200 रुपए होने थे बट ये तो सिर्फ 100 ही रुपए कंफर्म हुए हैं। अब वो केस में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी स्टोर पे एक मिनिमम वैल्यू रखते हैं प्रोडक्ट परचेज करने की, कि आपको 500 या फिर 600 रुपीज का मिनिमम परचेज करना है। अब आप जब परचेज करते हो तो शायद उसके पैसे कम हो जाते हैं या फिर आप उस स्टोर से उतने का परचेज नहीं करते हो, तो इस केस में आपको कैशबैक मिलता तो है बट वो आपको कैशबैक कम मिलता है। सो गाइज, आई थिंक आपको ये तीनों प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप सपोर्ट पे आ सकते हैं, support@freegamal.com पे मेल कीजिए और हमारी सपोर्ट टीम आपकी बेस्ट से बेस्ट हेल्प करेगी।